पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, हमारे लहंगा के अंदर वाईफाई, लहंगा में बा निलाइबा। इतने ज्यादा चीप और भलगर नेम दिए जाते हैं भोजपुरी फिल्म का, और सिर्फ नाम में वल्गरिटी नहीं है, काम में भी है। अभी भोजपुरी सिनेमा की बातें की जा रही है तो सबसे पहले गुड्डू रंगीला के नाम तो उठेंगे ही। इनके कुछ गाने की पोस्टर और टाइटल देख लीजिए, हमारे लहंगा में कोरोना वायरस घुसलवा, लहंगा में NRC हेकेलवा दे, लहंगा में लाल बाबू। इन्हें लहंगा से क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनके गानों में मिलियंस ऑफ व्यूज है। वल्गारिटी, डबल मीनिंग्स, डायलॉग, सेक्सुअलिटी, इन शॉर्ट सॉफ्ट पोर्न, ये सब आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। इन इंडिया 2000 फिल्म्स रिलीज्ड इन अ ईयर एंड ऑलमोस्ट 50-60 मूवीज कम्स फ्रॉम भोजपुरी। लेकिन इस भोजपुरी इंडस्ट्री का आखिर शुरुआत कैसे हुआ था, चलिए इसको पहले जानते हैं। वेल, भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से इतना ज्यादा भलगर तो नहीं था। 1963 में विश्वनाथ शाहबादी पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज किया था, जिसका नाम था गंगा मैया तोरे बिहारी चढ़ाइबो, जो एक फैमिली मूवी है। और ये मूवी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े थे। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। उन्होंने विश्वनाथ शाहबादी से मिला और भोजपुरी मूवी बनाने के लिए कह दिया, और वहाँ से शुरू हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री का। उसके बाद बहुत सारे फिल्म रिलीज हुए जो हिट हुए, और कुछ कुछ मूवी फ्लॉप ही हुआ था। लेकिन उसके बाद नए नए डायरेक्टर आने लगे और भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ ऐसा हाल होने लगे। आज अगर आपको बोला जाए कि फैमिली के साथ एक भोजपुरी मूवी देखने चलते हैं, क्या आप चल सकते हैं? शायद आप ये सुन के छोटी सी स्माइल देके वहाँ से दौड़ लगाएंगे, राइट? लेकिन हर भोजपुरी मूवी भलगर नहीं होते है। जैसे कि इस मूवी को देख लीजिए, देश बाजो, ये बहुत ही अच्छे फिल्म है और फैमिली मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नितिन चंद्रा ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नीतू चंद्रा, जो एक फेमस एक्टर है। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर में इसकी ऑडियंस ही नहीं मिला, जिसके कारण इस मूवी को यूट्यूब में डालना पड़ गया। हम सब जानते हैं इंडिया की मोस्ट इलिटरेट स्टेट है बिहार, जिसके कारण उन लोगों को अच्छे वाले जॉब्स तो नहीं मिलते हैं, तो वो लोग मजबूरी में लो इनकम होने वाले जो भी काम मिलते हैं उसे करते हैं। जैसे कि रिक्शा चलाना, कंपनियों में झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, रोड साइड पे स्टॉल लगाना, और ये सब करके जो इनकम होते हैं उस पैसों से मल्टीप्लेक्स में बार बार मूवी देखने जाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जिसके लिए वो लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रुकावट के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप में से 80% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। लेकिन एक सेकेंड, आप सोच रही है कि हमने अभी तो कहा 2000 करोड़ की है ये फिल्म इंडस्ट्री, तो सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर से लोग इतने सारे पैसे कमाते कैसे है? वेल, ये जानने के लिए आप पहले ये सुनिए कि ये इंडस्ट्री आखिर कौन कौन सी तरीके से पैसे कमाते हैं। तो एक फिल्म मेनली दो तरीके से कमाते हैं, एक है सिंगल स्क्रीन थिएटर और दूसरा है यूट्यूब। जहाँ एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में मूवी का टिकट प्राइस होते हैं 1500-1600, वहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी के टिकट 50-60 रुपीस में ही मिल जाते हैं। तो बिहार और यूपी के लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जब बहुत सारे लोग 50 रुपीस में सिनेमा देखने जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर कितने ज्यादा पैसे होंगे वो आप खुद सोचिए। और दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब एक वर्ल्ड वाइड मीडियम है। भोजपुरी लोग ब्राजील, फिजी, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज और भी कई देश में रहते हैं। वहाँ से वो लोग भोजपुरी मूवी को कंज्यूम करते हैं, तो जिसके कारण यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा कमाई होते हैं। बट वेट अ मिनट, जब भोजपुरी मूवी के वल्गैरिटी के खिलाफ लोग इतने ज्यादा बातें करते हैं, इनफैक्ट फेमस भोजपुरी एक्टर और पॉलिटिशियन रवि किशन भी आज के भोजपुरी मूवी के खिलाफ बातें करते हैं। उन्होंने कहा भोजपुरी मूवीज और सॉन्ग्स में से इस वल्गैरिटी को हटाया जाए, और इसके लिए एक अलग से लॉ बनाना बहुत जरूरी है, और भोजपुरी मूवी के लिए एक अलग से सेंसर बोर्ड भी होना चाहिए। फेमस भोजपुरी सिंगर केसरी लाल यादव के खिलाफ रवि किशन जी ने एक FIR दर्ज किया था, क्योंकि उनके सॉन्ग्स में ऑब्सेंस और वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने सारे नेगेटिविटी के बाद भी भोजपुरी मूवीज आखिर बनते ही क्यों है? तो इसका मेन रीजन है पब्लिक डिमांड, जहां पोर्न को देखने के लिए छुप छुप के देखना पड़ता है और पोर्न को लेकर बातें करने में हेजिटेट होती है, और दूसरी तरफ एक फिल्म को खुलेआम देखा जा सकती है, इसके बारे में लोगों के साथ चर्चा किए जा सकते हैं, तो लोग भोजपुरी मूवी को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सेफेस्ट ऑप्शन है। यूथ की आवाज ने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि वो भोजपुरी मूवी क्यों देखते हैं, तो इस लड़के ने कहा भोजपुरी मूवी उसके और उसके दोस्तों के लिए एक एडिक्शन है, जैसे पोर्न को लेकर लोगों को एडिक्शन हो जाते हैं। और इसका दूसरा मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार में 66 लाख से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब भी नहीं है, तो इसके कारण लोगों को कम पैसों में जो भी फिल्म में रोल मिल जाते हैं उसे वो करते हैं। एक तरह से वो लोग मजबूर भी है इस काम को करने के लिए। और थर्ड रीजन है स्पॉन्सरशिप। अच्छे फिल्म बनाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको देने के लिए कोई भी राजी नहीं होता है,
तो उसके कारण 2-3 आइटम सॉन्ग्स डाल दिए जाते हैं ताकि ऑडियंस मिल सके। हर भोजपुरी मूवी और सॉन्ग्स का कंटेंट करीबन एक ही होते हैं, सिर्फ उसे अलग अलग वे में प्रेजेंट किए जाते हैं और कम से कम लो बजट में जो भी बनते हैं वो उसे चला देती है। इस भोजपुरी मूवी से समाज में आखिर प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? वेल, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है वल्गर मेंटालिटी डेवलप्ड इन यूथ जनरेशन। मतलब इस मूवीज को देख के बिहार और बाकी के लोगों के मेंटालिटी पे असर पड़ रही है, उन लोगों की कैरेक्टर खराब हो रही है। हाल ही में एक घटना के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कोरबा शहर में एक इंसान उनके दोस्तों के घर जाते हैं और वहाँ भोजपुरी गाने चलाते हैं और उसमें कहे गए सेक्स की बातें उसके बच्चों के साथ करने लगे और फिर उसके माँ के साथ जबरदस्ती भी किया। ये नहीं है कि इसमें डायरेक्टली भोजपुरी सॉन्ग्स की दोष है, लेकिन इनडायरेक्टली तो जरूर है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, इस मूवी को देखने के बाद बाकी के स्टेट के लोगों की मेंटालिटी पे असर पड़ते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर मूवी में ये सब दिखाए जाते हैं तो बिहार और यूपी के लोगों की कैरेक्टर सच में ऐसे भलगर होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट? तो इसके प्रॉब्लम्स तो हम जान लिए, तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है सेंसरशिप। तो यूट्यूब पर अगर ये सारे मूवी में सेंसरशिप लागू होंगे तो चैनल बैन हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब से कह के जैसे कुछ पाकिस्तानी चैनल को बैन किया था, वैसे इस भोजपुरी चैनल्स को भी बैन करवा सकती है। जिस तरह से लोग पैसा कमाने के लिए और अपना सॉन्ग से हिट कराने के लिए वल्गर कंटेंट के साथ वुमेन्स को ऐसा सेक्स ऑब्जेक्ट दिखा रही है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन नंबर 2 है मेंटालिटी चेंजिंग। हमने पहले ही कहा था कि भोजपुरी मूवी पब्लिक डिमांड पे चलती है, तो लोगों की मेंटालिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर लोग इस तरह की वल्गैरिटी को इग्नोर करते जाएंगे तो मूवी के व्यूज भी कम होते जाएंगे, लेकिन सालों साल चल रहे इस चीज को बंद करना थोड़ी सी मुश्किल तो होंगे ही, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। फेमस भोजपुरी एक्टर आम्रपाली दुबे ने कहा, अगर सरकार कुछ फिल्म को बैन कर देंगे तो फिल्म में वल्गैरिटी अपने आप ही कम होते जाएंगे। क्या सरकार इसके खिलाफ कोई स्टेप ले रही है? यस, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सारे मूवीज को प्रमोट ना करने के लिए गवर्नमेंट एड ना देने की अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या इसके कारण भोजपुरी मूवी में वल्गैरिटी कम होते जाएंगे? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वल्गैरिटी के खिलाफ अवेयरनेस फैल सके। अगर आपको ऐसा ही कॉन्टेंट आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।